यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दलित अधिकार की बात जब भी होती है तो सबसे पहला नाम आता है बाबा भीमराव अंबेडकर का। आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी ने उनके समर्थक और विख्यात दलित चिंतक जोगेंद्र नाथ मंडल की पुस्तक का विमोचन किया। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन पाकिस्तान में दलित मुस्लिम एकता का जो सपना लेकर वो गए थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। हमेशा याद रखना पड़ेगा और उनके प्रति सचेत रहते हुए प्रत्येक नागरिक को भी सचेत करना पड़ेगा, धोखा है। लखनऊ में बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया और उनके दलित उत्थान के लिए किए गए कामों की जमकर तारीफ की। इसी दौरान सीएम योगी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के अनन्य अनुयायी और समर्थक जोगेंद्र नाथ मंडल की किताब का भी विमोचन किया। आजादी के पहले जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भी देश के प्रख्यात दलित चिंतकों में शुमार होता था और दलित अधिकारों के लिए ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना पसंद किया था। वो पाकिस्तान के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को लगा था कि पाकिस्तान में दलितों को बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन जिस सपने के साथ वो पाकिस्तान गए थे वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बराबरी तो दूर की बात है, पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम मुल्क में तब्दील हो गया, जहां पर सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात होने लगी। अब आपको पहले ये बताते हैं कि दरअसल जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे और क्यों उन्हें हम दलित अधिकार का अनसुना पैरोकार बता रहे हैं। दरअसल जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म 1904 में बांग्लादेश में हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल नमुसूरा समुदाय के परिवार से आते थे। उन्होंने अनुसूचित जाति संघ की बंगाल शाखा स्थापित की थी। ये शाखा उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ मिलकर स्थापित की थी। जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहेब अंबेडकर के प्रबल अनुयायी थे। जोगेंद्र नाथ का झुकाव मोहम्मद अली जिन्ना की ओर था। विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के साथ गए। वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य भी बने और पाकिस्तान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के कानून और श्रम मंत्री भी रहे, लेकिन 1950 में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पूर्व पाक पीएम लियाकत अली खान को अपना इस्तीफा सौंपा और अपने इस्तीफे में गैर मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। मंडल ने अपने इस्तीफे में पाकिस्तान सरकार के पक्षतापूर्ण रवैये का जिक्र किया। मंडल के दलित मुस्लिम एकता का सपना टूट गया था और 1950 में वो इस्तीफा देकर वापस भारत लौट आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल के पाकिस्तान जाने के बड़े खिलाफ थे और उन्होंने कहा था कि हमें अपनी दलित समस्याओं का निदान अपने ही देश में ढूंढना होगा और धर्मशासित मुस्लिम राज्य में दलितों को कदापि न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानी। कई दलित बस्तियों में मैं गया और वहाँ पे मुझे 13 साल से लेकर के 35 साल तक की कोई लड़की महिला नहीं मिली। पुरुषों की हत्याएं करके आतताई महिलाओं को अपने साथ ले गए। यह बर्बरता देख करके जोगेंद्रनाथ मंडल का हृदय कांप उठा। जोगेंद्रनाथ मंडल समझ गए कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया और उन्होंने, उनका लड़का भारत में था, उसकी बीमारी का बहाना करके वे भारत भाग आए। देश बंटवारा हुआ, बाबा साहब यहाँ कला मिनिस्टर बने, जोगेंद्रनाथ मंडल जी पाकिस्तान कला मिनिस्टर बने। थोड़े दिन वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कंपनी के चेयरमैन भी रहे। लेकिन जो बाबा साहब तो दूरदर्शी थे, बाबा साहब ने उनको कहा था, उनका उसको इतना खामियाजा भुगतना पड़ा कि जोगेंद्रनाथ मंडल 8 अक्टूबर 1950 को भाग आए और कलकत्ता से अपना इस्तीफा भेज दिया। और वो व्यक्ति जो कि बाबा साहब का उत्तराधिकारी बनता, वो गुमनामी में कलकत्ता में 5 अक्टूबर 1968 को मर गया। दरअसल जोगेंद्रनाथ मंडल इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान गए थे कि वो पाकिस्तान में दलितों को बराबरी का हक दिलाएंगे,
लेकिन जो वादा पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे किया था उसकी कलई महज 3 साल में ही खुलकर सामने आ गई। और जिस दलित मुस्लिम एकता का सपना लेके जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान गए थे उसके टूटने के साथ ही वो 1950 में हिंदुस्तान वापस लौट आए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने साथ पाकिस्तान में हुई हर ज्यादती का जिक्र अपनी किताब में किया है, जहां उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे दलित मुस्लिम एकता के नाम पर उनके साथ फरेब का खेल खेला गया। वहीं सीएम योगी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुस्तक का विमोचन कर उन्हें याद किया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद देश की जनता को, खासतौर पर दलितों को और गरीबों को सावधान करने के लिए जिन मुद्दों के प्रति सावधान किया था, चाहे वो निजाम की लालच के मुद्दे रहे हों, चाहे वह जूनागढ़ के नवाब या जिन्ना के लालच का जवाब उन्होंने जिन शब्दों में किया था, हमें उसे हमेशा याद रखना पड़ेगा और उनके प्रति सचेत रहते हुए प्रत्येक नागरिक को भी सचेत करना पड़ेगा। ये धोखा है। मैं श्रीधर परांकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक और उसके संकलन के लिए पवन पुत्र बादल जी को और उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल की इस पुस्तक को जन जन के लिए उपयोगी बनाने के लिए, उसके संकलन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रत्येक प्रबुद्ध जन को इस पुस्तक को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए और फिर इस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। विभाजन से पहले जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम देश के प्रख्यात दलित चिंतकों में शुमार होता था। वो आजादी की लड़ाई के साथ साथ दलितों के हक की लड़ाई भी लड़ रहे थे। हालांकि बाद में विभाजन के समय उनका पाकिस्तान जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, जहां पाकिस्तान ने उनके साथ वैसा ही धोखा किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। वहीं सीएम योगी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुस्तक का विमोचन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम बाबा साहेब के सच्चे अनुयायियों में गिना जाता है। लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।